हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, कुछ ऐसा है जो आपसे नहीं बताना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स हमें। ओके, ओ माय गॉड, ये मैं शफल कर रही थी तभी आ गए थे बाहर ये, बट क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है तो हम नहीं ले सकते उस वक्त। इससे आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपसे प्यार बहुत करते हैं ये छिपा रहे हैं आपसे। शायद अब उतना आपको जताते नहीं हैं, आपसे उतना बताते नहीं हैं, बट जो भी सिचुएशन आपके रिलेशन की करंट में है, जो भी सिचुएशन है, अच्छी है खराब है, जिनकी अच्छी बात हो रही है, नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी इशू, बट आपके प्यार अगर थर्ड पार्टी है तो भी आपके पर्सन आपसे प्यार अभी भी उतना ही कर रहे हैं जितना कभी करते थे, अटैचमेंट ख़त्म नहीं हुआ, और जिनका सब अच्छा चल रहा है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनसे बहुत प्यार करते हैं। शायद वो आपसे कभी बता नहीं पाए या वो अभी इस वक्त बताना नहीं चाह रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, जो भी रीज़न रहा हो उनका, या दिखाया नहीं होगा, जताया नहीं होगा, गुस्से में है लेकिन फिर भी आपसे बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपके लिए, अट्रैक्टिव हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई हुई है आपको। ओ माई गॉड, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स मजिशियन एंड द लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर। अगर कोई इतना अच्छा छिपा सकता है तो कितना प्यारी एनर्जी है ये। आपको दिन रात मांग रहे हैं, दिन रात आपकी विश कर रहे हैं आपके लिए, आपको अपने मैनिफेस्टेशन में डाल रहे हैं, आपकी विश हो इस वक्त उनकी, ये चीज़ें आपसे वो छिपा रहे हैं। अगर बहुत अच्छा रिलेशन आपका चल रहा है तो भी आपको 24 घंटा वो मन ही मन में विश कर रहे हैं कि आप उनके साथ अच्छे से रहे हो, अच्छे से उनका रिलेशन चले, आपका उनका आपसे कमिटमेंट हो, आगे बढ़े, हम रिलेशन हमारा स्मूथ चलता रहे। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके साथ भी सेम सिचुएशन है, भले ही बात नहीं कर रहे हैं लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं और आपको मन ही मन वो मांग भी रहे हैं। बहुत प्यारी ऊर्जा आई हुई है ये, मुझे कैमरे में 222 222 एंजल नंबर भी शो हुआ है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो आपसे यही छिपा रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मांगते हैं दिन रात लेकिन आपको जताते नहीं हैं। ओके, क्या बात है, आज मेजर अरकाना ही कार्ड्स में एंट्री लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ बहुत है उनके अंदर और उन्होंने ये स्ट्रेंथ बनाए रखी है कि जो भी सिचुएशन चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, मैं मांगता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, करती हूँ और मैं करूँगी कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त, किसी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाने की सिचुएशन में हो सकते हैं इस वक्त, बट वो आपसे छिपा रहे हैं कि सब ठीक है। हो सकता है आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो सकती है, जिसके साथ हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वो आपको ये दिखा रहे हो कि मुझे दर्द नहीं है, मैं पेन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चकाचक मस्त हूँ, मतलब बिल्कुल केयर फ्री हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। फ़र्क बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मन ही मन परेशान हैं, प्रेशराइज्ड हैं, सक्सेस चाहते हैं अपने रिलेशन में लेकिन जो कि शायद अभी नहीं मिल पा रही है, उसके वजह से थोड़ा परेशान भी है यहाँ पर। और ये सब चीज़ें आपसे वो छिपा ही रहे हैं कि बस चाहता तो आप ही को हूँ लेकिन बस मैं बताना नहीं चाहता। और ये देखिए कन्फर्मेशन आ गया यहाँ पर, पॉजेसिव हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। जिनकी बहुत अच्छी बात ये चल रही है, बहुत अच्छी ऊर्जा आई हुई है यहाँ पर, अगर आपके पर्सन ये छिपा रहे हैं आपसे। और जिनके नो कांटेक्ट में, वो उनके लिए भी बहुत अच्छी ऊर्जा है क्योंकि आपके पर्सन आपसे खोना नहीं चाहते हैं, आपको पकड़ कर जकड़ कर बांध कर रखना चाहते हैं अपने साथ अपने रिलेशन में।
वो बात अलग है कि सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो हमें उस वक्त सोचने समझने की शक्ति पर थोड़ा सा असर कम हो जाता है, हम नहीं गुस्से में समझ पाते हैं, नई चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, हम गुस्से और ईगो के आगे कुछ सुनते ही नहीं, देखना ही समझना नहीं चाहते और फिर गलतियों पर गलतियाँ गलतियों पर गलतियाँ करते जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं तुरंत। कोई ये कैसे कह सकता है कि मैं तुरंत उसको भूल गया या भूल गई? नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। मैं कोई मुझसे ये कहे कि मैं एक महीने में भूल गया तो भी मैं नहीं इस बात को मान सकती। ये इजी होता ही नहीं जितना कहना आसान है। ठीक है, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। यहाँ पर मुझे कार्ड पे नज़र जा रही है बार बार। ओह माय गॉड, कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर आपसे शादी करना चाहते हैं या और एक रिलेशन में बहुत डीप जाना चाहते हैं, वो छिपा रहे हैं आपसे। जिनकी शायद अच्छी बातचीत हो रही है उनके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ सकती है कि वो आपसे हो सकता हो आगे कमिटमेंट के लिए बढ़ना चाहते हो, शादी के लिए आपसे बात करना चाहते हो, लेकिन कोई हिचकिचाहट हो जिसके चलते वो आपसे ना बताना चाह रहे हो, यहाँ पर ये बात आ सकती है। ये ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये भी ऊर्जा है कि सबसे सलाह ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, क्या नहीं करना चाहिए, और जो कि शायद आपसे बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो सबसे एक अच्छी सलाह मशवरा लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज्ड वन हो सकते हैं, जिनसे पूछ रहे होंगे कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सलाह मशवरा भी यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर शादी की कमिटमेंट को लेकर भी छिपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ भी हो जाए वो डटे रहना चाहते हैं, काम करना, थोड़ा सा ज़िद उनके अंदर आ गई है अभी। देखो, चीज़ों को करने की एक ज़िद दिखाई दे रही है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, पाना है, मैं जो पाना चाहता हूँ मैं पाऊँगा, मैं करूँगा। कितने भी हर्डल्स हमारे रिलेशन में आए, कुछ भी आए, मैं उस पर ग्रोथ लेकर आऊँगा या आऊँगी, कैसे भी लाऊँ। तो वो एक ज़िद है, एक अच्छी ज़िद यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक अच्छी ज़िद पाने की कोशिश में है, और यही शायद चीज़ें आपसे छिपाना चाह रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो मेंटली, डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, प्रेशराइज्ड हैं रिलेशंस को लेकर आपके और उनको, और ये चीज़ें आपसे छिपा रहे हैं ताकि आपको पता ना चले कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन प्रॉब्लम में आपके पर्सन हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। परेशान हैं, प्रेशराइज्ड हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए परेशान हैं शायद, जो हो नहीं पा रही हैं, और यही सारी चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर छिपाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कि होता है, सभी लोग नहीं बताना चाहते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, ऐसी सिचुएशंस आती है। बट नो डाउट आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये कुछ रीडिंग्स निकल कर आई हैं जिसमें आपके पर्सन कुछ छिपाते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइमलेस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जिससे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।